हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में और मैं हूं आपकी होस्ट नीलम। और आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस प्रॉन्स फ्राई बहुत ही आसानी से। और ऐसे ही क्विक एंड इजी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो चलिए, सुपर टेम्पटिंग, डिलीशियस और सबसे आसान प्रॉन्स फ्राई की रेसिपी कैसे बनानी है, देखते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए, प्रॉन्स फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉन्स। यहाँ पे मैंने आधा किलो बिग साइज प्रॉन्स लिए हैं, जिन्हें क्लीन करके मैंने पहले से ही ले लिया है। बस उसके अंदर की वेन हमें निकालनी है, तो उसके लिए प्रॉन्स को एक छोटा कट देंगे हम ऊपर छुरी से, और उसमें से ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ वीडियो में, वो धागा हमें निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये निकालना थोड़ा ज़रूरी है। अब पीछे की साइड से भी आपको ये जो वेन है उसके बाजू में कट देंगे तो वो इजीली निकल आती है। अब हाथ को जो चिपकती है ना वेन, वो इजीली निकल जाए इसलिए मैंने बाजू में एक बोल में पानी लिया है, तो हाथ जैसे ही आप उसमें डिप करोगे वो आसानी से निकल आती है। ऐसे ही सारे प्रॉन्स हम क्लीन कर लेंगे। चलिए अब बनाते हैं एक पेस्ट, डिलीशियस, सुपर सिंपल। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच यहाँ पर अदरक मैंने लिया है क्लीन करके। उसी में हम डालेंगे करी लीव्स, यानी करी पत्ते डालने हैं 15 से 20। अब इसमें डालेंगे तो उसकी टेस्ट भी मिलेगी और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी। और 3 से 4 मैंने यहाँ पे मिर्ची डाली है, मिर्ची आप अपनी पसंद से डाल सकते हो। अब हम डालेंगे बहुत सारे ताज़ा धनिया के पत्ते, जिन्हें हमने क्लीन करके धो के लिया है, और उसी में 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च, यानी 10 से 12 काली मिर्च के दाने। बस अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं ग्राइंड करना है, दरदरा सा पेस्ट हमें यहाँ पे बनाना है। चलिए, एक बोल में हम ले लेते हैं प्रॉन्स, इसे हमें मैरिनेट करना है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोकम आगर, यानी कोकम का पानी, जो मीठा नहीं होता, नॉर्मल कोकम का पानी होता है। अगर आपके पास ये कोकम आगर नहीं है तो आप नॉर्मल कोकम ले सकते हो, जिन्हें पानी में भिगो के आप वो वाला पानी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास कोकम भी नहीं है तो आप नींबू का रस ज़रूर डालिए, क्योंकि फ़िश की कोई भी रेसिपीज़ में आपको खटाई डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब डालते हैं सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िश की रेसिपीज़ में। और उसमें 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ बेड़गी मिर्च, यानी जो कम तीखी होती है, और 1/2 छोटी चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे तीखा लाल। अब तीखा आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फिश मसाला, जो आपको किसी भी फिश जहाँ से आप खरीदते हो वहाँ पर भी मिल जाएगा और नॉर्मल स्टोर में भी मिल जाएगा। उसी में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जो हरी वाली हमने पेस्ट बनाई थी उसे। इससे हमारे फिश को एक अलग ही स्पाइसी और डिलीशियस पंच मिलेगा। अब हम यहाँ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब आप चाहे तो चम्मच से मिला सकते हो, लेकिन सारे मसाले प्रॉन्स को अच्छे से लगने के लिए हाथ से ही आप उसे अच्छे से रब कर दीजिए और बाद में बस नींबू लगा के हाथ अपने क्लीन कर दीजिए। आप चाहे तो इसे मैरिनेट करके रख सकते हो 1/2-1 घंटे के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे फ्राई कर सकते हो। बस अभी 5 से 10 मिनट का ही काम बच चुका है। पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, उस पे यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। फिश और नॉनवेज की रेसिपीज़ में तो ये तेल एकदम ही बढ़िया है, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट में फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। बस जिन्हें आदत नहीं है उनके लिए बता दूँ यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले तेल को हाई फ्लेम पे हमें जलाना है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन या फिर चिमनी को ऑन रखना है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग स्मेल निकल जाता है। एक बार तेल अच्छे से जल जाए फिर हमें गैस को स्लो करना है और हमारा सरसों का तेल यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। एंड ट्रस्ट मी, आपके खाने को बिल्कुल भी सरसों का वो स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगा। तो चलिए, हमारा यहाँ पे तेल रेडी है, तो एक एक करके हम यहाँ डालेंगे हमारे प्रॉन्स के पीसेस।
अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में नॉन वेज या फिर फिश ज़्यादा बनती है तो आप ज़रूर 1 लीटर की सरसों की बोतल ज़रूर लेके आइए, और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने सारे प्रॉन्स एक पैन में एडजस्ट कर लिए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें प्रॉन्स को अच्छे से फ्राई करना है। अगर आपको तेल कम लगे और ऊपर से अगर तेल डालना है तो आप सरसों के तेल की जगह पे यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर ऊपर से सरसों का तेल डाला तो वो ऑयल जलाने की प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में की थी वो यहाँ पे नहीं कर सकते, जिससे खाने में सरसों की वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ सकती है। तो चलिए 5 मिनट के बाद अब हम प्रॉन्स को पलटी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। प्रॉन्स को दोनों साइड से हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक हमारा मसाला पूरी तरह से सूख ना जाए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने लेंथवाइज कट किया है। अब ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन इस मसाले में जब ये हरी मिर्च फ्राई होती है तो मिर्च भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। अब हम प्रॉन्स को और एक बार पलटी लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो मसाला एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है और हमारी प्रॉन्स भी अच्छे से पक चुकी है। एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ जो नए हैं उनके लिए। आप जब भी प्रॉन्स फ्राई करते हो तो पहले 5 मिनट हमें पैन पे लीड नहीं लगाना है, क्योंकि प्रॉन्स जब हम फ्राई करने के लिए डालते हैं पैन के ऊपर तो वो अपना पानी रिलीज़ करता है खुद का, और जैसे ही हम ली लगा देंगे पैन को तो वो और ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। लेकिन हमें तो प्रॉन्स को फ्राई करना है, राइट? तो ये पानी सूखा के फिर प्रॉन्स को फ्राई करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए आपको 5 मिनट के बाद ही ली लगाना है पैन के ऊपर। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो कुकिंग आज हमने की है उसमें तो एक बार भी पैन पे ली नहीं लगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉन्स की जो साइज़ थी ना वो थोड़ी कम थी, जिससे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब आप टाइगर प्रॉन्स या फिर बड़ी साइज़ के प्रॉन्स यूज़ करोगे उस टाइम पे आप लीड ज़रूर लगाइए, लेकिन 5 मिनट के बाद। तो बातों बातों में यहाँ पे हमारी प्रॉन्स एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मसाला भी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये क्रिस्पी स्पाइसी डिलीशियस प्रॉन्स खाने के लिए एकदम रेडी है। एंजॉय कीजिए इस यम्मीलीशियस प्रॉन्स रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, आसान लग रही हो, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको इस रेसिपी के बारे में या फिर मेरे किसी और रेसिपीज़ के बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।